नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और मैं अभी छत पर सफाई कर रहा था तो मेरे मन में आया कि एक छोटी सी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। ये मैंने एक प्लांट टिकोमा घोरी चोरी का लगाया हुआ है अपने गमले में और गमले का साइज़ लगभग ये 12 इंच या 14 इंच है। और इस पौधे को मैंने लगभग 4 साल पहले या 5 साल पहले लगाया था और इस पर इतनी फ्लावरिंग होती है ना कि सफाई करते करते थक जाओ लेकिन ये फूल देते देते नहीं थकता और इसके फूल टूट टूट कर इसके चारों ओर गिरते रहते हैं। लेकिन इस प्लांट का चलने का राज एक और है। इसकी जो मिट्टी है, मैंने इसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिलाई हुई है। नीम की खली मैंने इसलिए मिलाई हुई है क्योंकि अगर नीम की खली ना मिलाएं तो इस पौधे पर चींटियां बहुत आती हैं और चींटियां आने से क्या होता है कि मुझे इतनी सफाई करनी पड़ती है चींटियों के आने से, इसकी मिट्टी बाहर निकाल देती हैं। अब भी इस पे एक दो चींटियाँ मिल जाएंगी कहीं कहीं, ये देखिए। और मैंने इसमें पानी भरा हुआ है जिससे कि चींटियाँ इसकी जड़ों तक ना जाएं। तो एक बार हुआ क्या, मैंने नीचे पानी नहीं भरा तो इस पे पूरे पेड़ पे चींटियाँ चींटियाँ हो गई थी। और एक और हम प्रिकॉशन ले सकते हैं, 15 से 20 दिन के बाद इस पे नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो इससे भी चींटियाँ चली जाती हैं। इसकी फ्लावरिंग इतनी सुंदर होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है पेड़, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी तो फ्लावरिंग बहुत कम हो रही है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको हिलाकर सारे फ्लावर इसके नीचे गिराकर सफाई की है। मेरे पे दोस्तों वीडियो बनानी ज़्यादा अच्छी नहीं आती लेकिन जो भी मेरे मन में आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।